हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्टफुल ट्रेवलर्स में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली से हैदराबाद का सफर, और जिस ट्रेन में हम सफर करने जा रहे हैं उसका नाम है कर्नाटका संपर्क क्रांति। ये ट्रेन इस वक्त हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर लग चुकी है और थोड़ी ही देर में रवाना होने वाली है। हैदराबाद पहुंचने में इस ट्रेन को पूरे 24 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपका इतना समय नहीं लूंगा। इस पूरी जर्नी को मैं समराइज करूंगा इस व्लॉग के जरिए और कुछ ही मिनटों में आपको पेश करूंगा दिल्ली से हैदराबाद का सफर। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारी ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से राइट टाइम पर रवाना हो रही है, और इस तरह हमारे सफर का आगाज हो रहा है। तो दोस्तों, सफर बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेन काफी अच्छी दिख रही है, और हमारे साथ जो को पैसेंजर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। क्यों सर, क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत। हेमंत जी कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। पहली बार जा रहे हैं या इस ट्रेन में पहले जा चुके हैं? नहीं, मैंने बहुत बार ट्रैवल किया हुआ है इस ट्रेन में, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी ट्रेन है, और साउथ की ट्रेनों से अच्छी है। मेंटेनेंस भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है। मतलब पहले जब कोविड से पहले जब ट्रैवल होती थी तब तक तो अच्छा था, अब कोविड के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं देखो, अब क्या क्या होता है क्या क्या। लेकिन हैदराबाद तो काफ़ी दूर है और समय भी काफ़ी लगता है। आप फ्लाइट से जाएंगे तो कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, अक्सर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, इसकी कोई वजह? नहीं, ट्रेन का सफ़र ज़्यादा रिलैक्सिंग है। ठीक है, फ्लाइट में आप जाओगे, आपका हो सकता है टाइम थोड़ा बच जाए, बट वो दिन भर की हरेसमेंट ज़्यादा हो जाती है उसमें। ट्रेन में नहीं होती है, आप आराम से रिलैक्स इंजॉय करते, दोस्त बनाते चले जाओगे। फ्लाइट में क्या है, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करते, वैसे ही छोटी सी जिंदगी है यार, कब खत्म हो जाएगी कोई समझ नहीं आएगी। दोस्तों, दिल्ली से हैदराबाद के बीच ये ट्रेन बहुत कम स्टेशनों पर रुकने वाली है। गाड़ी में पेंट्री कार भी है, लेकिन सफर में घर का बना खाना हमेशा बेहतर होता है। तो दोस्तों, दिल्ली से ट्रेन को चले हुए काफी समय हो चुका है और अब भूख लगनी शुरू हो गई है। मैं घर से कुछ खाना कैरी कर रहा हूँ, और एक चीज मैंने नोटिस की है कि ट्रेन में, खासकर लंबी दूरी की ट्रेन में, भूख बहुत लगती है। कोई दिक्कत नहीं है, खाते पीते चलेंगे। दोस्तों, सफर लंबा है, ऐसे तो कटेगा नहीं, बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ेंगे, खाने के ब्रेक, सोने के ब्रेक, जैसे हमारे साथ के पैसेंजर्स ले रहे हैं। देखिए, दोपहर की पावर नैप ले रहे हैं हमारे साथ ही पैसेंजर्स। मुझे लगता है मुझे भी थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तो दोस्तों, दिल्ली से चलने के बाद जो पहला बड़ा स्टॉपेज आया है इस ट्रेन का, जहां पर ये ट्रेन थोड़ी देर रुकने वाली है, वो है झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अब किया जा चुका है वीरांगना लक्ष्मी बाई जंक्शन। आमतौर पर साउथ की तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं इस जगह पर ज़रूर रुकती हैं। यहाँ पर रेलवे का स्टाफ भी चेंज होता है, सैनिटेशन स्टाफ भी आता है, ट्रेनों की सफाई भी की जाती है। कुछ तस्वीरें मैं आपको इस स्टेशन की दिखाता हूं, और फिर हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे।
झांसी में कुछ देर ठहरने के बाद ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ फिर से बढ़ चली है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में जब हम ट्रेवल कर रहे थे तो लोगों ने इस गाड़ी की पेंट्री की बड़ी तारीफ की, बोले कि यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है। तो हमारे साथ पेंट्री के जो मैनेजर हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या बनाया आपने आज लंच में। सर, इसमें कढ़ाई पनीर था सर, ग्वालियर बेस किचन से खाना चढ़ा था। अच्छा, इसमें आपका दाल फ्राई, जीरा राइस और एक आलू मटर गोभी की ड्राई सब्जी और एक पनीर की सब्जी था। अच्छा, तो नॉन वेज वगैरह भी सर्व करते हैं या आप सिर्फ वेज सर्व करते हैं? नहीं, दोनों सर्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हैदराबाद तक आपका ही खाना खाने को मिलेगा हमें? हाँ हाँ, चलिए ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट खाना भोपाल से चढ़ेगा। अच्छा, बेस्ट किचन से। अच्छा, बेस्ट किचन से चढ़ेगा, तो आप इसको यहाँ पर मतलब थोड़ा सा और? नहीं नहीं, रेडी होके चढ़ता है। एकदम रेडी होके चढ़ता है। एक पेंट्री में क्या होता है? पेंट्री तो ओनली गर्म, और आपको जैसे चाय दे रहे हैं और जो आपको पानी ठंडा करके दे रहे हैं। ओके, तो खाना यहाँ बन नहीं रहा है, खाना बेस किचन से चढ़ रहा है, चढ़ता है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा उसको गर्म करके और जो ये जो पैकेज आइटम है वो सब सप्लाई करते हैं। ओके, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आपका नाम भाई साहब? सुरेश जी। सुरेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, हमने पेंट्री का खाना ट्राई तो नहीं किया, लेकिन इस ट्रेन की चाय और कॉफी जरूर पी, जो आम ट्रेनों की तुलना में बेहतर लगी। दोस्तों, ट्रेन अब भोपाल पहुंच चुकी है। बहुत से मुसाफिर यहां उतर रहे हैं और उनकी जगह दूसरे पैसेंजर्स ट्रेन में सवार हो रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से हैदराबाद के सफर में अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल। शाम के 5 बजे हैं और भोपाल शहर सभी जानते हैं, दालों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत शहर है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी देर ही रुकना है, इसलिए हम इस शहर में तो घूम नहीं सकते, लेकिन आप कभी भोपाल आइएगा तो ज़रूर घूमिएगा। दोस्तों, भोपाल से हमारे साथ एक और फैमिली ने हमें ज्वाइन किया है, जो अभी भोपाल स्टेशन पर जिन्होंने बोर्ड किया है। आइए, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। देखिए, दोस्तों, इससे पहले कि शाम ढल जाए और ट्रेन की खिड़कियों से खूबसूरत दृश्य देखने को न मिले, सनसेट का ये बेहतरीन नज़ारा कैप्चर कर रहा हूँ आपके लिए।
के लिए हम लोग अपने कोच से बाहर निकल के यहाँ खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं बताइए है मैंने। इतना एसी कूल हो गया है कि ठंड के मारे हालत खराब है, बाहर कोच के बाहर आके खड़ा होना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा एसी कर रहा है, बच्चे भी परेशान हैं, बट ब्लैंकेट्स लेके आए तो उससे थोड़ा सा रिलीफ है। दोस्तों, रात की अच्छी नींद के बाद सुबह जब आंखें खुली तो हम हैदराबाद के काफी करीब पहुंच चुके थे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलवाता हूं उन लोगों से जो हमारी ही तरह कान्हा शांति वनम जा रहे हैं। ये जगह हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कान्हा शांति वनम हमारा हार्टफुलनेस सेंटर का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। ये करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल बना हुआ है जो कि 80,000 लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकता है। ये पूरा आज से 2010 में जब ये शुरू हुआ था तो ये पूरी एक बैरन लैंड थी, वहाँ पे ना पानी था ना कोई पेड़ पौधे थे, लेकिन आज ये पूरा हरा भरा परिसर है। और तेलंगाना सरकार की तरफ से जो एक हरित यानी ग्रीन लैंड ग्रीन इनिशिएटिव के लिए जो अवार्ड दिया जाता है तो हर साल हमारी इस संस्था कान्हा शांति वनम को ही मिल रहा है। दोस्तों, कान्हा शांति वनम के बारे में एक अलग ब्लॉग मैंने कुछ समय पहले ही बनाया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन जो हैदराबाद का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है जिसे निजाम उस्मान अली खान के समय बनवाया गया था। हालांकि तब से इस स्टेशन का स्वरूप काफी बदल चुका है। यह स्टेशन काफी आधुनिक और साफ सुथरा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा दिल्ली से हैदराबाद तक का सफ़र पूरा होता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन पर पहुंच गई है। दिल्ली से हैदराबाद तक का हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, कई सारे नए लोगों से हमने मुलाकात भी की। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए सफ़र पर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।